गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपका अपना शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसे संभाल कर रखना यानी स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अमेरिकन बौद्ध तीर्थ यात्रियों द्वारा भारत के लिए काम किया जा रहा है। दरअसल उन्होंने सिद्धार्थ कंपैशन ट्रस्ट के साथ मिलकर बिहार के गया में हेल्थ कैंप लगाया है, जिसे 26 मार्च से शुरू किया गया है और ये 31 मार्च तक चलने वाला है। कैंप के मठवासियों के साथ साथ तमाम आम लोगों का इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक सेवाएं दी जा रही हैं। इस हेल्थ कैंप में करीब 10,000 लोगों का इलाज किए जाने की प्लानिंग है। आज सिद्धार्थ कंपैशन ट्रस्ट के प्रांगण में साक्या केयर फाउंडेशन अमेरिका के सहयोग से मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह मेडिकल कैंप 6 दिनों का है, 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। इस मेडिकल कैंप में भारत अमेरिका के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है, जिसमें दांत का, आँख का और फिजिकल चेकअप, बॉडी का चेकअप भी किया जा रहा है। जो मरीज आँख से ग्रसित हैं उन्हें इलाज करके चश्मा भी दिया जा रहा है, और दांत का जो मरीज हैं उन्हें सफाई करके उनके जो है हर तरह से इलाज करके उनको भी दवा दिया जा रहा है। सारी चीज़ इसमें निःशुल्क है। जितने भी यहाँ पर लोग जो हैं, आज स्पेशल मंक और नन के लिए है, और लगातार फिर जो है सारे लोग, लोकल पब्लिक, बाहर के जो भी हैं, कम से कम 10,000 लोगों को चेकअप करने का हम लोग का प्लान है। साक्या केयर फाउंडेशन अमेरिका वियतनामी बुद्धिस्ट हैं, उनके सहयोग से सिद्धार्थ कंपैशन के द्वारा ये किया जा रहा है। कितने लोग आए हुए हैं बाहर से, दूसरे देशों से? लगभग 45 लोग आए हुए हैं, जिनमें बहुत से डेंटिस्ट डॉक्टर हैं, आइस डॉक्टर हैं, फिजिशियन डॉक्टर हैं, और सब वॉलेंटियर भी आए हुए हैं इसमें।